देखिए, ट्रांसफार्मर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और बच रहे हैं और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अभी जो टॉपिक हमारे सामने वो है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में। देखिए, एफिशिएंसी किसी भी चीज़ की हो वो कैलकुलेट होती है हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट से। तो अगर हम ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करें तो उसका जो नोटेशन है वो इस तरह ईटा से बताया जाता है, और इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बोला कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, यहाँ पर हम पावर की बात कर लेते हैं तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर कंसिडर करते हैं। अब आप सभी को पता है कि आउटपुट पावर जो है वो तो आउटपुट पावर ही रहेगी, ठीक है, लेकिन इनपुट पावर को हम तोड़ सकते हैं कुछ चीज़ों में। कि जैसे एक तो आउटपुट में जितना अमाउंट गया, मान लीजिए कि मैं 100 रुपये किसी को देता हूँ, अब ये जो 100 रुपये है, अगर इसको मैं आउटपुट मान लेता हूँ तो मेरे को कितने मिले, 100 मिले। तो एक तो मेरा पास आउटपुट हो गया, लेकिन अगर मैं 3 इनपुट जो है, मेरा इनपुट है कि मतलब मैं दे रहा हूँ, ये देने वाला जो है ना ये 100 रुपये दे रहा है, तो अल्टीमेटली दे तो 100 रुपये रहा है, लेकिन मान लीजिए 3 जनों के थ्रू दे रहा है, एक को 50 देता है, एक को 20 देता है, एक को 30 देता है। तो ये इसका इनपुट इस तरीके से बता सकते हो कि मैंने 50, 20 और 30 करके दिए, या फिर मैंने टोटल 100 रुपये दे दिए। तो वही चीज़ है कि इनपुट पावर जो है वो अगर 2-3 जगह से जा रही है तो आप वो भी लिख सकते हो, और जो टोटल पावर आपने दी है वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर डेरिवेशन करने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए मैं इसको तोड़ रहा हूँ। तो एक तो मैंने कि आउटपुट में दे दिया इतना, एक तो मैंने सीधे आउटपुट में दे दिया, मतलब डायरेक्ट दे दिया, वो तो चला गया इतना, कुछ चला गया मेरा वेस्ट हो गया, कुछ मनी मेरा वेस्ट हो गया। उसी तरीके से पावर को आप कंसिडर कीजिए, कुछ पावर मेरी वेस्ट हो गई तो वो मेरे लॉसेज में चली गई। अब मेरे पास लॉसेज 2 तरीके के होते हैं, कॉपर लॉसेज है ना, और आयरन लॉसेज, और ये पर यूनिट में देखा जाता है। एफिशिएंसी हमेशा पर यूनिट क्वांटिटी में देखी जाती है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन बोल दूं इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर इन ट्रांसफॉर्मर इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी, और ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाई ईटा। आप इतना लिख सकते हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब जैसा कि आपको पता है कि आउटपुट पावर जो होती है वो क्या होती है सर, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, और यहाँ पर पावर फैक्टर लगा दूंगा, ये मेरी आउटपुट पावर हो गई। और इनपुट पावर क्या होगी ये भी देख लो। इनपुट पावर में एक तो अपने पास आउटपुट पावर है ही, तो V2I2 cos ∅2 है ही। दूसरा, कॉपर लॉस जो होते हैं वो I²R लॉस होते हैं, तो ये मैंने कर दिया। तीसरा, PI जो मेरे पास आयरन लॉसेज है पर यूनिट, ठीक है, ये मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। अगर आपको फुल लोड चाहिए तो आप फुल लोड करंट यूज़ कर लीजिए, तो आपकी एफिशिएंसी हो जाएगी एट फुल लोड पर। अब आपको क्या करना है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए होगी कि सर देखिए, चाहिए अपने को अल्टीमेटली कितना, यही करना होता है कैलकुलेट कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वो कितनी हो जाएगी और उसके लिए क्या कंडीशन होगी ताकि हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सके। देखिए, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए इसी फॉर्मूले में एक मॉडिफिकेशन करना होगा कि ये जो I2 है इसको नीचे लाना होगा, इसको वहां से हटाना होगा। तो इसको डिवाइड करते हैं अगर हम दोनों इक्वेशन, दोनों डिनोमिनेटर और उसमें, तो यहाँ पर इसका I2 का यहाँ पर मैं ये कर दूँ, और V2I2 cos ∅2 यहाँ पर I2 plus I2²R2 upon I2 plus PI upon I2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरा फॉर्मूला बन जाएगा V2 cos ∅2 upon V2 cos ∅2 plus I2R2 plus PI upon I2। ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब मुझे क्या करना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी इस फॉर्मूले को मैं और अच्छे से यहाँ पर लिख लेता हूँ, V2 cos ∅2 upon V2 cos ∅2 plus I2R2 plus PI upon I2। मुझे क्या करना है कि एफिशिएंसी को अगर मुझे मैक्सिमम करना है, तो एक चीज समझ सकता हूँ क्या मैं, कि डिनोमिनेटर जो है वही वेरिएबल है, V2 और cos ∅2 तो किसी एक फिक्स लोड के लिए फिक्स हो जाते हैं, तो ये जो टर्म है यही वेरिएबल है। इसके अंदर देखिए मेरे पास I2 वगैरह है, तो I2 तो आपके पास वेरी हो सकता है। तो इस वेरिएबल को अगर मैं सबसे कम कर दूं तो ये वाली टर्म सबसे ज्यादा हो जाएगी क्या,
तो अगर मैं डिनोमिनेटर को कम कर दूं तो ईटा जो है वो मेरा बढ़ जाएगा। अब इसको कम करने का क्या तरीका होता है? इसको कम करने का तरीका आपको पता है कि अगर आप डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो, इस डिनोमिनेटर को, या तो हाँ, इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो और इसको मिनिमम प्रूफ कर दो, तो आपके पास एफिशिएंसी मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगी। या फिर आप एफिशिएंसी को डिफरेंशिएट कर दो और उसको उसको मैक्सिमम प्रूफ कर दो, खत्म बात। अब देखिए, चलिए हम इससे चलते हैं कि इसको हम मिनिमम प्रूफ कर देंगे। इसको मिनिमम प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि इसका जो डिफरेंशिएट पार्ट होगा उसको जीरो के इक्वल रखना होगा, और जो उसका डबल डेरिवेटिव होगा उसको मैक्सिमम प्रूफ कर देना होगा, मतलब कि उसको जीरो से बड़ा प्रूफ कर देना है, तब आपके पास ये मिनिमम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो एफिशिएंसी होती है ना वो लोड से बढ़ती है, इस चीज को ध्यान रखना कि इनिशियली तो लोड से बढ़ती है, एक टाइम बाद वो घटने लग जाती है। तो जस्ट देखिए, मान लीजिए यहां पर कोई लोड को मैं वेरी करता हूं एक्स एक्सिस पर, इधर मैं लोड को लगातार बढ़ाता जा रहा हूं और इधर जो है मेरे पास एफिशिएंसी इस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। तो देखिए, जैसे जैसे मैंने लोड को बढ़ाया, जीरो से स्टार्ट करा, तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ती गई इस डायरेक्शन में। फिर क्या हुआ कि एक पॉइंट आने के बाद वो घटना स्टार्ट हो गई। तो आप एक चीज समझ सकते हो कि जिस पॉइंट पर वो घटना स्टार्ट हुई, जस्ट उससे पहले वाला पॉइंट ही आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला पॉइंट होगा। तो लोड को बढ़ाने के कारण एफिशिएंसी बढ़ी और लोड को बढ़ाने के कारण ही एफिशिएंसी घट गई। तो एक ऐसा मैक्सिमम, एक फिक्स लोड आएगा जिस पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाएगी। वो लोड ही आपको जानना है कि वो लोड कब आपके पास हो सकता है, ये मैक्सिमम एफिशिएंसी मुझे मिल गई। अब मुझे वो लोड जानने के लिए मुझे ये वाले फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे, डिफरेंशिएट करना होगा। तो उस फॉर्मूले के अगर मैं डिनोमिनेटर पार्ट को डिफरेंशिएट करूं, तो यहां पर मैं इस तरीके से डिफरेंशिएट कर लेता हूं, ये मेरा डिनोमिनेटर पार्ट है, इसको मैं आई टू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, और इसका जो डबल डेरिवेटिव पार्ट है डी टू डी आर ओवर डी आई टू स्क्वायर, इसको मैं जीरो से बड़ा प्रूफ कर दूं तो मेरे पास ये मिनिमम प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए, डी अपॉन डी आई टू वी टू कॉस फाई टू, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डेनोमिनेटर को, नीचे वाले पार्ट को, प्लस पी आई अपॉन आई टू, इसको जीरो के बराबर रखना है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, जीरो हो जाएगी, ठीक है? तो जीरो प्लस आई टू वन हो जाएगा, तो आर टू माइनस आई टू का इसका हो जाएगा माइनस वन अपॉन आई टू स्क्वायर, तो पी आई अपॉन आई टू स्क्वायर। डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, तो आप ये कर सकते हो, ये क्वांटिटी आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है कि इसको मैंने जीरो के बराबर रखा था, तो इसको जैसे ही जीरो के बराबर रखूंगा मुझे मिल जाएगा आर टू बराबर पी आई अपॉन आई टू स्क्वायर। इसका मतलब है कि आई टू स्क्वायर आर टू बराबर पी आई। आप एक चीज देख सकते हो यहां पर कि ये मेरा है, ये मेरा कॉपर लॉस है, ये मेरा आयरन लॉस है, ठीक है? तो एक कंडीशन मुझे मिल गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मुझे डबल डेरिवेटिव करना होगा, इसका डबल डेरिवेटिव करना होगा। अब सिंगल तो कर ही चुका, इसका मैं डबल डेरिवेटिव कर देता हूं। अगर ये मेरा जीरो से ज्यादा आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ये मिनिमम है। तो देखिए, डबल डेरिवेटिव करने के लिए आपने लिखा आर टू माइनस पी आई अपॉन आई टू होल स्क्वायर बराबर जीरो। जीरो क्यों आया? अब इसका जब आप जैसे ही इसको बराबर जीरो तो नहीं लिखोगे आप, इसको आप डबल डेरिवेटिव करोगे। तो सिंपली जैसे ही मैंने आर टू का करा, फिर से कांस्टेंट आ गया, तो इसको मैं जीरो लिख दूंगा, और फिर से इसका करूंगा तो यहां पर प्लस आ जाएगा और टू पी आई अपॉन आई क्यू, ये आ गया। तो ये ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा जीरो से बड़ी ही रहेगी, इसको जीरो से छोटा कैसे करोगे? आई एक फिजिकल क्वांटिटी है, ना नेगेटिव हो सकता है ना क्या है, और जो पी आई है वो भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा, लॉसेज होंगे तो आपका ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आपके पास मिल गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी पास कंडीशन आई थी पहली कि आई टू स्क्वायर बराबर पी आई, वो हमारी सही हो गई सर। ये वाली जो कंडीशन है ये हमारी करेक्ट है। इसका मतलब है कि जब भी आपका आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होगा तो आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त हो जाएगी। इस चीज को आप समझ रहे हो? तो ये चीज आपके लिए बहुत आसान होगा कि
कि मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी अकर एट व्हेन कॉपर लॉसेस आर इक्वल टू आयरन लॉसेस। इस पर हम कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे, कुछ दो तीन वीडियोस और आएंगे जिन पर हम ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, एप्लीकेशंस वगैरह देखेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट जरूर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियोस देखते रहिए और ट्रांसफार्मर को समझते रहिए।